ओ जमड़ू, अभी इंट्रो नहीं बोलना? ओए इंट्रो बोलने को कहा था मैंने तुझे, बोल। अबे हट, मैं इंट्रो नहीं बोलने वाला। सारा दिन मुझसे काम करवाता रहता है, शटा खुद बोल ले। अच्छा बच्चा, तेरी ये हिम्मत, तेरी भैंस की टांग। कमजोर जोंपड़ू कहीं का, आज के बाद मैं अपने घर में एक भी जोंपड़ू नहीं लाने वाला, बता रहा हूँ। मैं इसे फेंक देने वाला हूँ कोने में। मुझे इंट्रो बोलना पड़ेगा यार, क्या फायदा हुआ ऐसे जोंपड़ू का। तो योगा, अरे यार ये रात हो जाती है जब भी मैं शुरू करता हूँ इंट्रो या फिर रिकॉर्डिंग, और बारिश भी जब भी शुरू करता हूँ तभी हो जाती है, उससे पहले नहीं होती एक भी। आई हेट बारिश यार, ऐसे वेदर सिस्टम क्यों लगा है माइनक्राफ्ट में। तो चलो फटाफट से अभी दिन कर लेते हैं। दिन हो गया, बारिश को ऐसे चल रहे हैं तो वहाँ पे विलेजर जॉम्बी चल रहे हैं बहुत सारे। आयरन गोलेम फिर भी स्पॉन नहीं किया इन लोगों ने। चलो इंट्रो शुरू करते हैं अभी। यो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि कल के यस्टरडे की वीडियो में, यस्टरडे कहेंगे, हमने बनाया था एक घर जो कि आप पीछे की साइड पे देख पा रहे हैं, और साथ में हमने की थी थोड़ी सी विलेजर ब्रीडिंग, लेकिन विलेजर की तादाद फिर भी नहीं बढ़ी। यार क्या कर सकते हैं, अभी विलेजर ब्रीडिंग करने को मना कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे। तो लेट्स बिगिन। ये देखो भाई, मैं कह रहा था ना ब्रीडिंग कर पाई, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो अच्छा है हमारे लिए, यहाँ पे चिकन है, आई मीन चिकन थे, चला गया अब तो। और आज की वीडियो का हमारा मोटिव रहने वाला है, और जैसे मोटिव रहने वाला है, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग वीड फार्म एक्सटेंड करें, थोड़ी सी और फार्मिंग करें, और विलेजर ब्रीडिंग तो हमारी हर वीडियो का मोटिव रहता ही है, क्योंकि विलेजर लोग यार गायब होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वीड फार्म, आई मीन उसे एक्सटेंड करेंगे, और उगाएंगे बहुत सारे पोटैटोस। वीड फार्म से हमें मिलेगा ब्रेड, और इसे रख देते हैं पहले सारा कुछ। आलतू फालतू चीज़ें डाल दो चेस्ट में। बेड कहाँ से आया? चलो तो अभी हम लोग जाएंगे वीट फार्म की ओर, वहाँ से बहुत सारा वीट निकालेंगे, उससे सीड भी मिलेंगे, और सीड से हम पहले तो फार्म को एक्सटेंड करेंगे और सीड उसमें लगा देंगे। जैसे तो सीड हैं हमारे पास, और यहाँ पे पड़े थे लास्ट टाइम सीड्स, मैं ढूंढ रहा था। फिर अभी हम लोगों को चाहिए होंगी बहुत सारी लकड़ियाँ, ऑब्वियसली फेंस बनाने हैं हमें। लकड़ियाँ को निकालते हैं नीचे, सीड्स भी। ग्लास का क्या करना, ग्लास को ऊपर रख देते हैं। अबे यार कैसी गंदी गंदी आवाज़ें निकालते रहते हैं। चलो चलते हैं वीड फार्म की ओर, चल पड़ मेरे भाई। इतनी सारी बिल्लियां हैं यार यहाँ पे, एक आधी फिश ही मिल जाए। देखो ये दोनों जुड़वा हैं। हाँ जुड़वा ही होंगे, पता नहीं। चलो चलते हैं, सबसे पहले घंटी बजा के चेक करते हैं कि विलेजर कितने हैं। एक दिखा, दो, ये तो छुटकू वाला है। कम है हमारे पास विलेजर, तो हमें कुछ ना कुछ। और वो देखो यार सारे उधर भाग रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर रहता है, क्यों भागते हैं यार ये लोग उधर। एक तो मुझे लगता है इसकी प्रोफेशन होगी इसलिए उधर जा रहा है, इसे कहीं और लगा देंगे। ये नहीं लगाना, कोई बड़ा वाला पोटैटो नहीं है, यहाँ पे लगा दूँ। एक ही मिला है, कैसा सस्ते वाले पोटैटो लगा रखे हैं इस फार्म। अच्छा प्लांट कर दिए, हाँ वेरी गुड। ये ले एक पोटैटो, तू ही रख ले भाई, मुझे तो नहीं चाहिए। ब्रीडिंग कर लेगा एक से?
निकल, इसे हम लोग थोड़ा सा उधर जाके लगाते हैं, यहाँ पे क्या पता उधर जाना हट जाए। ट्रेड चेंज की होगी इसने, तो अभी फ़िलहाल वीट फार्म एक्सटेंड करने का काम शुरू करते हैं। आपसे मैंने राय ली थी लास्ट टाइम कि हम इसे चौड़ा करें या फिर एक्सटेंड कर दें आगे के लिए, तो आप में से किसी ने बोला था कि एक्सटेंड करें, लेकिन इतना एक्सटेंड करके भी क्या करेंगे। मैं कहता हूँ एक लाइन चौड़ा भी कर देते हैं, एक्सटेंड भी हो जाएगा। चलो फेंस तोड़ने में लगते हैं। वीट ही तोड़ लिया पहले, रीप्लांट कर दो फटाफट। शीप को बैं बैं करने दो और फेंस तोड़ते हैं अपना। उस साइड के लिए भी एक्सटेंड करना है, तो हम साइड साइड के फेंस तोड़ देंगे। वैसे लंबाई भी बढ़ानी है तो उधर के लिए बढ़ा देंगे। ये साइड के फेंस छोड़ देते हैं, यहाँ से इस लाइन यहाँ पे जाएंगे और शायद 3 ब्लॉक तक ये फर्टिलाइज हो सकते हैं पानी से, करके देखते हैं। इनमें से कोई एक हो जाए, पता लग जाए मुझे। ये हो गया, ये नहीं हुआ, जादू चल रहा है यार। अच्छा ये ऐसे ही था, ठीक है इसे हो करते हैं। इसमें से एक भी फर्टिलाइज नहीं हुआ, मुझे तो शक लग रहा है इस पर। अरे हो गया हो गया, हाँ। तो अभी यहाँ से इसका मतलब है कि 3 लेयर तक कितनी बह बह करते हैं यार ये लोग, कमाल है। तो अभी यकीन तो हो गया मुझे कि 4 ब्लॉक तक इसे तोड़ दे पहले, कि 3 ब्लॉक तक इसकी रेंज पहुंच जाती है पानी की, शायद 4 ब्लॉक तक भी पहुंचती हो। टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये फर्टिलाइज हो गया तो समझो बस 4 ब्लॉक तक एक्सटेंड करेंगे। चलो अभी फेंस वगैरह तोड़ने में लगते हैं। आयरन एक्स भी बहुत जल्दी, क्या कहूँ यार मैं, फेंस तोड़ने में लगाना है, कुछ और ही तोड़े जा रहा है। जब ये तोड़ना होगा तो फेंस तोड़ेगा, टॉर्च वगैरह। चलो कोई बात नहीं, वैसे गलती तो मेरी थी क्योंकि मैं ही चला रहा था अपने प्लेयर को। इनमें से कोई एक भी फर्टिलाइज नहीं हुआ है, देखते हैं अगर ये वाला हो गया तो इसे हम डबल लाइन लगा देंगे, फिर पता चलेगा। फटाफट से हो मार दिया हमने, इस लाइन में भी मार देते हैं जितना लगता हो। अभी टूटने वाला, गलत ब्लॉक कर ले यार पहले तू, अभी टूटने ही वाला है। हाँ कहने सारी टूट गया, क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, सब जगह क्राफ्टिंग टेबल ही लगा। देखो यार मुंह के सामने ऐसे होती है बर्बादी लकड़ी की। थोड़ी सी स्टिक्स बनाएंगे, अरे थोड़ी सी बनानी थी, थोड़े से हो। मैं भी यार कमाल करता हूँ, थोड़े से बनाने थे ये भी, इतने सारे बना डाले। ओ भाई ये 4 ब्लॉक तक आ रहा है, इसका मतलब 4थे ब्लॉक तक पानी आ सकता है, फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ तक, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। हम लोग लगा के रख देते ताकि पता लग जाए, पहले सो के आ जाते हैं फटाफट। अभी नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं इसे, नींद बहुत आ रही है यार मुझे, सोने का मन कर रहा है। मुंह फूट गया, चलो नींद हट गई, ऐसे सोना फिर भी पड़ेगा। अरे वाह ओपी है यार मेरा प्लेयर, बटन कोई तोड़ डाला। सो जाओ ये फट से और सुबह करते हैं जल्दी से। सुबह हो गई, बाहर चलो, शुक्र है इस बार मुंह नहीं फूटा। फटाफट काम पे लग जाते हैं, विलेजर पे इतना ध्यान नहीं देंगे।
अरे यार ये गंद पा रहे हैं, देखो अभी किसने आने को बोला यहाँ पे हैं। देखो भाई क्या प्रो लेवल के बिल्डिंग करता हूँ मैं, भूख भी लगा जाती है प्रो लेवल के बिल्डिंग से, क्या करें यार। इनकी साउंड इफेक्ट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। लाइन पे टॉर्च है, कोई बात नहीं, अबे चला आ जा उधर। ये ख़त्म हो गए, थोड़े से और बना लेंगे, तब तक इस इलाके को हो कर देते हैं। तीन चार उंगली से क्लिक करके किया है भाई, अच्छे लेवल का हो जाता है पूरा। और इसे इस फार्म में क्या इंटरेस्ट है, लग भी नहीं रही। इसके गाल पर चांटा मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चों को नहीं मारते होते ना, इसीलिए बच्चे के ऊपर कूद सकते हैं। ये फेंस के अंदर इसका सर अटक गया मुंडे। अरे ये गोलेम स्पॉन होगा ना, तो उसे बता देना मेरी तरफ से कि मैंने उसे कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही भाग गया है, वरना क्या पता वो कल मुझे पेल ले आ जाए। वैसे ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये नल्ले लोग ना ना तो कोई प्रोफेशन करते हैं और ना कोई गोलेम स्पॉन करते हैं। थोड़े से फेंस बना लेते हैं, एक बार फिर से ज़्यादा ही बन चुके हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ पे पड़े थे और किसी काम के नहीं थे, यहीं पे लगा दे, यहीं से चुरा लेता, चुरा नहीं लेता, आई मीन शेयर करवा लेता। चुराते नहीं हैं भाई हम लोग, अच्छे बंदे हैं, विचार है ना। हाँ ठीक है, अरे उधर नहीं जाना है। ये क्या था कहाँ यार, कहाँ लगे जा रहा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट तक नहीं किया था। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। अबे लग चुके हैं, यहाँ पे टॉर्च वगैरह लगा देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास बहुत है। चलो वीट फार्म तो हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पे वीट हार्वेस्ट करेंगे। यार ये शीप इतना साउंड क्यों मचाती हैं, शट अप शट अप। यार ये रात रात नहीं, कब हटेगी यार ये बरसात, सारा दिन लगी रहती है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तभी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है इसे। मैं टॉर्चे से लगा ही रहा था कि एकदम से रात, आई मीन क्लियर वेदर हो गया एकदम से पूरा। चलो अच्छा है, क्या कहें अभी यार, ये कितने गंदे साउंड इफेक्ट होते हैं, कोई अच्छा सा साउंड भी नहीं आता इन्हें निकालना। उधर जाके फार्मिंग कर, चल अपनी जगह पे नहीं जाते ये लोग। यार इतने घटिया विलेजर क्यों हैं हमारे पास। चलो अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गेट वगैरह लगा दूँ। फेंस की हमारे पास कमी नहीं है तो उसे नहीं चखेंगे। अभी ऑलमोस्ट सब जगह लग चुके हैं, जस्ट किडिंग, एक ही साइड मिल गए हैं। मैं भी ना एडवांस में बोल देता हूँ, सब जगह लगा दो पहले से। यहाँ पे भी लगा देते हैं। अभी ये सारे लगाने के बाद मिलते हैं, ओपी वाली स्पीड रनिंग करेंगे। तेरी भैंस की टांग
साउंड मचाते रहते हैं, कमीना आदमी। शवल बजाऊंगा मैं तेरे मत्थे पे, निकल यहाँ से। सारे इधर ही आते हैं, शोर मचाते रहते हैं 24 घंटे। अरे शी फार्म कहीं और होना चाहिए। सारा दिन ऐसे सर खाते रहते हैं, कमाल है यार। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सब जगह लगा चुके हैं, एक साइड बची है ये वाली, यहाँ पे भी लग चुका है। वीट फार्म हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है वो है सीड्स लगाना। चलो सीड्स मॉन्टेज करते हैं यहाँ पे। अच्छी नहीं गई यार, चलो कोई बात नहीं, लगाते चले जाते हैं। अभी ये सारे प्लांट करने के बाद मिलते हैं। और सीड्स लगाते वक्त मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है, ये देखो इसके हम लोग कभी कभी यार, कभी कभी, हमेशा नहीं, अगर हम लोग स्प्रिंट करें, अरे यार हो क्यों नहीं रहा, हाँ अगर हम लोग ऐसे स्प्रिंट करें तो कभी कभी इसके आर पार भी चले जा सकते बिना जंप मारे, जो कि इतना हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताना था बस, मैंने फाइंड आउट किया। ये लास्ट थोड़े से सीड्स बचे हैं, इन्हें भी लगा दिया हम लोगों ने। अभी मैं सोच रहा हूँ इन सबको हार्वेस्ट करूँगा, और जो भी सीड्स आएंगे उन्हें यहाँ पे फिर से प्लांट कर दूँगा। तो चलो हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग तो जल्दी हो जाती है प्लांटिंग से। सीड्स तो यार बहुत सारे आ गए हमारे पास, बहुत काम की चीज़ है वीट की फार्मिंग, मज़ा भी आता है, इतनी कोई बोरिंग भी नहीं है ये। चलो अभी इस साइड को भी भर देते हैं सीड्स से। और प्लांटिंग के प्रो लेवल्स के स्किल देखना चाहोगे? चाहे देखना। अरे यार फिर से बारिश यार। हाँ तो मैं कह रहा था देखना चाहते हो तो ये देखो। अरे यार जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तब, या फिर किसी और को दिखाता हूँ अपने स्किल्स, तब कभी भी वो स्किल काम नहीं करती। और मुझे लगता है सबके साथ ही होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग सारा कलेक्ट कर लेते हैं, सीड्स हमारे पास आ चुके हैं, और अभी रीप्लांटेशन कर। डूब जाए यार तू पानी में, डूब जाए इसमें। मेरा प्लान है यहाँ पे स्लैब्स या फिर स्टेयर्स वगैरह लगा दूँ, उससे पानी के अंदर डूबेंगे भी नहीं। चलो एनीवेज इसको भी प्लांट कर देते हैं अभी, और बारिश तो लगता नहीं आज हटेगी। 3-4 बार ही आ चुकी है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, कमाल है यार। अरे वाह अब ठीक था। अभी फिर से करते हैं 4 फिंगर क्लिकिंग। हाँ ये बढ़िया था इस बार। तो अभी हम लोग अपनी चेस्ट में डाल देते हैं जो भी हमें वीट फार्म से मिला है। सबसे पहले तो सीड्स मिले, ज़्यादातर तो लग ही गए, मिले तो कम है। और रात हो रही है मैंने अब ध्यान दिया, लेकिन यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अभी कोई मॉब स्पॉन नहीं हो रहे। मॉब स्पॉनिंग भी ऑफ है, और लगा भी मैंने हार्ड मोड पे रखा है, फिर भी कोई स्पॉन नहीं होता। तो वर्ल्ड में कोई ग्लिच व्लिच है? अरे मुझे अब ध्यान आया ग्लिच नहीं है, मैंने सब जगह लाइटिंग कर रखी है इसीलिए। मैं भी ना यार भूल जाता हूँ छोटी मोटी चीज़ें भी। मैं हमारे पास बहुत सारा वीट आया है, इसे सजा देते हैं, इसमें सब जगह पूरा फिल कर देते हैं। चलो जी हर एक स्लॉट में सिवाय इसके 3-3 आ चुके हैं। तो अभी हम लोग इसका करें क्या, एक्सटेंड बाद में करेंगे यार,
आज मैंने इसकी चौड़ाई बता दी बहुत है और हमारे पास सीड्स भी नहीं हैं। या फिर ऐसा हम कर सकते हैं कि इसे उग जाने दो, फिर जो भी इससे सीड्स मिलेंगे हम उससे इसे एक्सटेंड कर देंगे। और फैंस हमारे पास कमी नहीं है, निकल यहाँ से, अभी भी स्लो जाना। पंच खा, अभी इसे पंच क्यों नहीं बज रहा? हाँ बॉडी पे बजता है, इसके टकले पे नहीं, बस का टकला खाली है इसका। कुछ होता तो है नहीं, खोखली चीज़ है इसका टकला। अबे चले जा यहाँ से भाई मेरे। हाँ अभी से रास्ता, तेरी भैंस की टांग, रुक। उधर चल चल, अब गया ये। अभी पोटैटो भी हम लोग कर लेते हैं फार्म। अभी इसे ये छोटा क्या, अभी टीपीपी लेके दिख रहा है, ये लो पोटैटो खा खा ले। अबे खाना देखा, पोटैटो खा, अबे खा ले। कैसे खिलाते हैं, छोटे तो चखते भी नहीं है तो ऐसे। चलो किसी ने नहीं देखा, इसने देख लिया। हाँ नहीं देखा, देखो प्रूफ भी दे रहा, इसने नहीं देखा। एक ही प्लांट करेगा, शर्म तो नहीं है तुझे, है ना? निकल इडियट बंदे, प्लांट कर दे भाई मेरे। यहाँ पे कुछ मुझे करना पड़ेगा लगता, बीच में मत आना, मैं बता रहा हूँ। देखा तेरी गलती है अभी। चलो अभी ये सारा प्लांट करते हैं यार, इतना मिला नहीं हमें जितना मिलना चाहिए था। और यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स, इसे बंद करते हैं सबसे पहले, तो गलत चीज़ से बंद कर रहा हूँ। ये पड़ी है ना हमारे पास डर्ट, इसका क्या काम आएगा? तो वीट फार्म तो हमारा एक्सटेंड हो चुका है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पोटैटो फार्म को भी एक्सटेंड करूँ। वैसे इसे एक्सटेंड तो नहीं करने वाला, एक चीज़ कर सकते हैं, इस सारी वुड को कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा इसका वजूद ही मिटा देते हैं और कहीं और पे लगा देते हैं अच्छा वाला। या फिर हम लोग कर सकते हैं इनके अंदर भी, अरे बने हुए हैं फ्री के खाने मिल रहे हैं तो इनमें, फ्री के आई मीन एरियाज, अगर यहाँ पे फ्री के एरियाज मिल रहे हैं तो इनमें खेती क्यों ना करें भाई, हैं बताओ। अबे ये क्या हो रहा है ने? तो भी यहाँ पे पानी डालेंगे एक कोने में तो शायद सब जगह जाएगा। डल गया है पानी, अभी फर्टिलाइज हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे हम लोग आलू बीजेंगे, हर जगह पे छोटे छोटे फार्म तो बनाएं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे आ चुके हैं और एक खा ही लेते हैं। फायदा क्या इसका, आधा आधा हंगर दिया इसने, चलो कोई बात नहीं, अभी कहीं और भी उगा देंगे। और जो हमें वीट मिला है उसका भी कोई ना कोई यूज़ करें। हमारे पास है टोटल 2.5 स्टैक वीट है, तो अभी इसके ब्रेड बना के, क्योंकि हमारे पास तो खाना बहुत है, तो हम इसके ब्रेड बनाएंगे और विलेजर को चखा देंगे। फटाफट से ब्रेड बना लेते हैं। और यार पॉकेट एडिशन में तो शिफ्ट क्लिक भी नहीं होता, सारा मैनुअली करना पड़ता है। तो चेस्ट खाली क्यों रखनी, मैं सोच रहा हूँ इसमें एक डाल ही देते हैं सेंटर में। भाई साहब बहुत अमीर बंदे हैं, एक भी चेस्ट खाली नहीं है हमारे पास, वो भी भर दी, भरी तो नहीं, थोड़ी सी डाली उसमें। चलो कोई बात नहीं,
अभी हम लोग विलेजर ढूंढते हैं, वो रहे दो विलेजर्स, इन्हें पहले सेंटर में ल्यूर करेंगे, और उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भाग गया। यहाँ पे दो विलेजर हैं तो बीच में हम लोग डाल देते हैं। मेरा चकलो अपना खाना चकलो, ब्रीडिंग ही नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? उठा लिया क्या इसने? बोला थोड़ा सा तू भी खा ले, इसने भी शायद उठा लिया। हाँ वेरी गुड, उधर देख लेता हूँ, थोड़ा सा और चाहिए, ये लो। अब होगा ना, ये थोड़ा सा लालच है तो इन्हें देना ही पड़ेगा। अबे कर ले ब्रीडिंग, सैर करने निकल गए ये सारे, थोड़ा सा और खिलाना पड़ेगा लगता है। ओ कितनी आवाज़ें निकाली इन लोगों ने, जॉम्बी की आवाज़ आ रही है मुझे कहीं से, कहाँ पे यार? अरे वाह ये मस्त है भाई, यहाँ पे अंगारे दिख रहे थे, ये क्या चीज़ें हैं भाई, कुछ भी रैंडम इफेक्ट। ओ भाई कितनी तादाद हो गई है इन लोगों की, अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन हमारे पास खाना एक्सपायर हो गया। देखो 1 2 3 4 चार बच्चे हैं, 2 3 4 अच्छा इनकी ब्रीडिंग तो होगी, और ये मरने से बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने से बच गए, क्योंकि अभी ये पूरे ख़त्म ही हो जाते। लास्ट टाइम हमारे पास लाइक 0 विलेजर, ज़ॉम्बी कहाँ है यार? कहीं नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे कोई खड्डा वगैरह होगा। देखो फिर से आवाज आई, कहाँ पे है यार, बता दे अपनी जगह मुझे। मतलब छुप के रहना इन विलेजर को डराना। यहाँ कहीं हो सकता है तो पूरा एरिया छान मारते हैं हम लोग। यहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे, तो छान के देखते हैं कहाँ पे है, पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। फिर से आवाज़ आ रही है मुझे, कोई रैंडम जगह खोद के देखते हैं। थोड़ा सा और खोद लेते हैं यार, मैंने बहुत खोज लिया, सब जगह खोज लिया, लेकिन मुझे अभी तक दिखा नहीं, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो फुल टू फुल आवाज़ आ रही है उसकी, एक घट्टे बंद कर दे, 2 3 हैं यहाँ तो, यहाँ पे कोई गुफा होगी। रात हो रही है सबसे पहले तो अभी हम सो लेंगे, वरना क्या पता और ज़ॉम्बी आ जाए। और यार ये ज़ॉम्बी ना मिलता नहीं करता, नहीं विलेजर के पास पाद निकाल लें इसने डर के मारे। चलो इसे भर देते हैं फटाफट, और सबसे पहले सोने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त मॉब स्पॉन हो सकते हैं। और शुक्र है प्रूफ तो मिला हमें कि मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लाइटिंग की वजह से नहीं स्पॉन हो रहे, दूर क्या पता होते होंगे। इतनी जल्दी होगी सुबह, कमाल है। बेड तो हमारे पास बहुत है, तो ये बेबी विलेजर भी वहाँ से सो सकते हैं। अपनी डर्ट वगैरह इकट्ठी करते हैं सबसे पहले। फिर से ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, और अभी मैं इसे इग्नोर करने वाला हूँ। कमाल है यार, सब जगह ज़ॉम्बी, सब जगह, कहीं भी जाता हूँ वहाँ पे आवाज़ आती है उसकी।
तो अभी ये फटाफट से भर देते हैं, इसे भरने में बहुत टाइम लगने वाला, ऐसे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी से भर देते हैं हम लोग इन गड्ढों को, ताकि थोड़ी सी सुंदरता आ जाए और ये अजीब सा ना लगे। तो गड्ढा हम लोग भर चुके हैं। जॉम्बी की आवाज़ आ रही है, आने दो, भाड़ में जाए जॉम्बी। और मेरे पास खाने की कमी हो रही है, कोई खाना वगैरह मिल रहा है क्या यहाँ पे? वीट है वो भी कच्चा, खा लो जैसे खाना है। विलेजर से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी लगता है, पोटैटो भी हमारे नहीं उग रहे, दूसरी साइड के उगे हुए पोटैटो ले लेते हैं, वही खाएंगे आलू। एक उनका भी फायदा ही नहीं है, भूख से मर रहे हैं यार हम लोग, कमाल है। नल्ले वाले विलेजर, नो एंट्री अलाउड, भाग के कहाँ जाएगा बेटा? देख मैं तुझे वन पंच करूँगा अभी, क्योंकि पहले बार मैंने स्वॉर्ड से मारा था, अभी मैं पंच एक मारूँगा। अरे दो पंच ही बन जाने दे मुझे। हाँ आई एम, क्या होता है उसका नाम, हाँ वन पंच मैन हूँ। वैसे मैंने दो पंच में मारा तो मैं दो पंच मैन हूँ, ये झुको सारे, आई मीन झुको मत। अरे ये क्या है भाई, ये बूट्स हैं तो गलत मत समझना, शूज़ ही हैं ये। हाँ तो मैं कह रहा था झुकोगे तो आप नहीं, और ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि झुको, इससे अच्छा मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही और ढांसू वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।